नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कुंदन। और खेला होबे में आज हम बात करेंगे टीम इंडिया का विराट टेस्ट। जी हां, विराट टेस्ट इसलिए क्योंकि जो भारतीय टीम का टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें पहले टेस्ट से विराट कोहली गायब है, अजिंक्य रहाणे वो टीम के कप्तान बनाए गए हैं। और चर्चा जो है यहां पर उठ खड़ी हुई है कि क्या T20 के बाद अब जो दूसरे फॉर्मेट है टेस्ट मैच से भी क्या विराट कोहली संन्यास ले सकते हैं, यानी कि वो कप्तानी छोड़ सकते हैं। और कुंदन, जिस तरीके से रवि शास्त्री की चर्चा की शुरुआत की है कि क्या वो क्रिकेट छोड़ सकते हैं, कप्तानी छोड़ सकते हैं, क्या वाकई मानसिक और शारीरिक तौर पर उतने वो थके हुए से दिखाई पड़ रहे हैं, आगे दिखाई पड़ सकते हैं कि वो कप्तानी ही छोड़। देखिए, उन्होंने एक सवाल उसमें ऐड किया है, उन्होंने ये कहा है कि क्या विराट कोहली फिजिकली और मेंटली थक चुके हैं, इसका मतलब इसका जवाब विराट कोहली दे सकते हैं, पहली चीज तो ये। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेज बने हैं दरअसल हमें देखना पड़ेगा। विराट कोहली ने देखिए T20 से चुकी वो कप्तानी छोड़ दी, उन्होंने T20 को ताकत का खेल कहा जाता है, करुणी यंगस्टर्स का खेल कहा जाता है। 35 साल के हो गए विराट कोहली और अब उन्हें लगता है कि वो फोकस कर रहे हैं बाकी जो दो फॉर्मेट है टेस्ट में। जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी है, जीत परसेंटेज देखिए वो जबरदस्त है, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली फोकस करना चाहते हैं बाकी दो फॉर्मेट में। यानी कि जो परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, शायद 70% से ज्यादा मैचेस वो भारत को जीता चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो कि वो भी काफी सफल कप्तान कहे जाते हैं और कुंदन के बारे में जो आंकड़े हैं वो 60 के करीब, यानी कहीं आगे। लेकिन वनडे में जो है वो महेंद्र सिंह धोनी आगे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या वनडे और टेस्ट मैच यहां पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि कुछ अनमने से दिखाई पड़ते हैं मैदान में जब भी विराट कोहली करते हैं। और कृपया याद कीजिए, हमेशा ऐसा लगता है कि एक गलती भी वो माफ करना तैयार नहीं है और यहां पर गलतियों पर भी मुस्कुराते दिखते हैं, कहीं बहुत ज्यादा रिलैक्स है। क्या वाकई अब ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से पीछे थोड़ा सा हटते हैं इस बार, और इसलिए चर्चा का वादा भी गर्म। देखिए, पूरे हेड कोच की अगर बात करें, रवि शास्त्री की बात करें, तो उन्होंने एक चीज और जोड़ी है, एक खिलाड़ी लंबे टाइम तक तब खेलता है तब खेल लेता है इस मुकाम पर आने के बाद जब वो बाहरी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। तो विराट कोहली को मुझे लगता है बाहरी चीजों को बहुत फर्क पड़ रहा है। हम देश के तौर पर देखें, क्रिकेट बोर्ड के तौर पर देखें, क्रिकेट प्रेमियों के तौर पर देखें, तो हम चाहते हैं कि विराट कोहली बाकी बाहर चर्चा होती रहती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम सवाल खड़े करते हैं, मीडिया भी सवाल खड़े कर रहा है कि जो इंटरनेशनल सीरीज है उसमें विराट कोहली जीत नहीं दिला पाए, ये अलग मसला है। लेकिन इसके अंदर वो खिलाड़ी जो है वो जबरदस्त है। इतिहास में अगर देखा जाए ऐसे दो चार खिलाड़ी हुए हैं जो अपने टाइम के लेजेंड हैं और लेजेंड क्रिकेटर को हम खेलते हुए देख रहे हैं, तो वो क्रिकेटर के तौर पर तो कोई शक चुबा नहीं है। कप्तानी के तौर पर कुछ सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस, भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि विराट कोहली लंबे वक्त तक खेले, चाहे वो कैप्टन रहे ना रहे, लेकिन खिलाड़ी फिट है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, तो आप अगले 5-7 साल तक खेलते रहे, भारतीय क्रिकेट फैंस को ये चाहिए। बिल्कुल, और रवि शास्त्री ये बात इसलिए भी कहेंगे, हो सकता है कि बल्लेबाजी पर ध्यान देने के लिए विराट कोहली कुछ ऐसा फैसला कर ले, ये बहुत जल्दी नहीं, हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के फ्रेम में भी हो सकता है कि ऐसा फैसला वो ले। देखिए, दरअसल टेस्ट कप्तानी भी क्या छोड़ेंगे विराट, ये चर्चा चल रही है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ रहाणे को कमान सौंपी गई है पहले टेस्ट मैच में, भाई इतना भी आराम क्या जरूरी है, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही कोहली पहले टेस्ट में टीम के साथ नहीं है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, पहले टेस्ट में कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्व कोच रवि शास्त्री ने ये संकेत दिए हैं, ये बात भी लगातार सामने आ रही है क्योंकि रवि शास्त्री के साथ ट्यूनिंग भी बहुत शानदार रही है और कई मैचेस जो हैं ऐसे क्रूशियल मैचेस जिताए हैं, और इसीलिए लग रहा है कि रवि शास्त्री अगर बाहर है तो क्या ये भी कप्तानी छोड़ सकते हैं, इसलिए भी चर्चाएं चल रही हैं। वनडे में भी क्या कप्तानी छोड़ सकते हैं विराट कोहली, कुंदन क्या कहेंगे? देखिए, रवि शास्त्री जो बात कह रहे हैं इसलिए इस पर चर्चा हम भी कर रहे हैं करुण जी, क्योंकि दोनों के बीच बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग है। रवि शास्त्री भी विराट कोहली को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो अगर और क्या के साथ अगर ये जोड़ना है कि क्या फिजिकली और मेंटली इतने फिट हैं विराट कोहली कि वो बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। क्रिकेट के मैदान के बाहर जो बातचीत होती है, मीडिया में जो बातचीत होती है, जो ट्विटर पर सवाल खड़े किए जाते हैं उसे इग्नोर करते हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रवि शास्त्री बहुत क्लोज हैं विराट कोहली की, बहुत दोनों की बीच की बाउंडिंग पूरी दुनिया जानती है, तो इसलिए चर्चा करें। लेकिन मुझे नहीं लगता करुण जी कि अभी वनडे छोड़ेंगे या फिर कप्तानी इतनी जल्दी छोड़ेंगे। आपने कहा पहले मैच से, पहले टेस्ट मैच से बाहर है, देखिए करीब करीब 1 महीने का वक्त हुआ, अभी सीरीज खत्म हुई है तो 3 तारीख से, शायद 3 दिसंबर से दूसरा टेस्ट मैच है, तो मुझे लगता है 1 महीने का ब्रेक बहुत लंबे टाइम से वो लगातार खेल रहे हैं, बीच में कोरोना था और उसके बाद जब क्रिकेट शुरू हुआ, IPL, फिर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो मुझे लगता है 1 महीने का ब्रेक उनको चाहिए होगा, तो इसलिए वो पहले टेस्ट मैच से बाहर है, दूसरे मैच में लौटेंगे और कप्तानी संभाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर उनको छोड़ना था कप्तानी तो जब T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट से पहले अगर आप कह देते हैं कि मैं T20 में कप्तानी छोड़ दूंगा तो ये शायद विराट कोहली पहले ऐलान कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कप्तानी छोड़ेंगे इतनी जल्दी। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर रवि शास्त्री की बात भी यहां पर ध्यान रखने लायक है क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा लगेगा कि वो मानसिक तौर पर थक गए हैं, थकने लगे हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके का फैसला वो ले लें। चलिए, पद्मपति शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। पद्मपति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो चर्चाएं चल रही है इस वक्त कि विराट कोहली जो T20 में
अब वो कप्तान नहीं है, वो हो सकता है कि टेस्ट मैच में और वनडे में भी कप्तानी छोड़ दे। रवि शास्त्री ने इस आशय के संकेत किए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वो जो संकेत दिया है उन्होंने, वो इन्होंने ये नहीं कहा है कि तत्काल ऐसा करेंगे जी, आने वाले वर्षों में ऐसा कर सकते हैं। देखिए, विराट कोहली कोई इयान बॉथम नहीं है कि कप्तानी से उनके प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने छोड़ा और छोड़ने के बाद बॉथम ने फिर अपनी प्रचंडता दिखाई। इन्होंने कप्तान के बतौर कप्तान भी अपने फॉर्म को बरकरार रखा है और मैं समझता हूं कि एक के बाद एक मैचों में वो रन बनाते चले गए हैं। ठीक है, इधर कुछ दिनों से जो है तो उनको थोड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन कुल मिलाकर के उनका प्रदर्शन कप्तानी से प्रभावित नहीं था। लेकिन एक बात बता दूं, ये क्रिकेटर है, ये कोई रोबोट नहीं है, बिल्कुल ये हार्ड मांस के हैं। और एक बात, ये 30 साल पहले, मैं समझता हूँ कि 30-35 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बदलाव आया है, इतने पैसे की बारिश होने लगी है कि अब ये क्रिकेट असमाप्त सत्र हो गया है। यहाँ 12 महीने जो है, खासतौर से भारत सबसे ज्यादा इसका शिकार है, जो कहा जाए भारतीय क्रिकेटर, भारत BCCI तो तिजोरी भर रहा है, लेकिन क्रिकेटर्स को जो है मतलब आराम करने का कम से कम मौका मिलता है। आप ये देखिए कि ये बायो क्या है, वो जो कोरोना को लेकर के था उसको लेकर के 6-6 महीना इनको बेचारों को उसने रहना पड़ा है, तो परिवार से अलग रहते हैं, कभी परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। तो मानसिक तौर पर और शारीरिक, मान लीजिए कि आपकी फिटनेस जो है बहुत अतिरिक्त अलग सी किस्म की है, लेकिन मानसिक थकान तो आप समझ ही सकते हैं। तो हो सकता है कि मानसिक थकान के चलते ऐसा वो करें, लेकिन हमें हाल फिलहाल ऐसी सूरत नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि वनडे में भी वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा कि T20 में रोहित शर्मा और देखिए उनके उत्तराधिकारी भी तय हो गए हैं, KL राहुल, और मैं समझता हूँ कि जो टीम के सबसे एश्योर बैट्समैन है वो KL राहुल है, रोहित। बिल्कुल, ये जो नाम आप ले रहे हैं पद्मपति जी, इसीलिए इस बात की चर्चा होती है कि क्या जो युवा खिलाड़ी अब नॉक कर रहे हैं, जो दरवाजा खटखटा रहे हैं, उन्हें प्लेइंग 11 में तो शामिल कीजिए ही, उसके अलावा जो कप्तानी की जिम्मेदारी है वो भी युवा कंधों पर होनी चाहिए। और इसीलिए लगातार समय समय पर ऐसी अटकलें सामने आती रहती हैं, अटकलें लगाई जाती रही हैं। देखिए, KL राहुल को जो डिप्टी बनाया गया है, जो नायब बनाया गया है, वो इसी कड़ी में है, वो यंग है और ऑस्ट्रेलिया दौरे में उसने जबरदस्त शुरुआत की थी, धोनी के समय में था, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाई थी, और उसके संग मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह का उसको टीम में मौका मिलना चाहिए था, अब ये क्या कारण है ये नहीं कह सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश उतने मौके उसे नहीं मिल पाए, और जब मिले तब उसने अपने फॉर्म को दिखा दिया, और खासतौर से IPL में देखिए कि वो लगातार रन बटोर रहे हैं, और यहाँ भी पहले 2 मैचों में जरूर असफल रहे, लेकिन उसके बाद देखिए कि किस प्रचंडता के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समय भारतीय टीम में सबसे विश्वस्त बल्लेबाज जो है, जिसकी टीम में जगह पक्की है, उसका नाम है KL राहुल, और शायद सेलेक्टर्स ने इसीलिए उन्हें ये मौका दिया है कि भाई आप नायब हो जाओ, यानी आगे चल के हम आपको प्रोन्नत कर सकते हैं, क्योंकि ये ना भूलें कि 33-34 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा बहुत दिन शायद ही चल पाएंगे, क्योंकि इस लेवल पर फिटनेस जो है बहुत मायने रखती है। तो उसके बाद उनकी जगह भरने के लिए KL राहुल मैं समझता हूँ सबसे योग्य उम्मीदवार है। जी, विराट कोहली की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है कप्तानी छोड़ देंगे, खेलते कितने लंबे टाइम तक रहेंगे, क्योंकि अभी तक विराट कोहली ने जो अपनी जगह बनाई है, चाहे वो टेस्ट की बात हो या फिर वनडे की बात हो, अब T20 भी तो खेलते रहेंगे, लेकिन कप्तानी छोड़ देंगे तीनों फॉर्मेट में मैं मान लेता हूं, लेकिन खेलते कब तक रहेंगे, क्योंकि वो जो जगह विराट कोहली की है, चाहे वनडे टीम की बात हो या टेस्ट टीम की बात हो, वो जगह तो भर्ती में नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सही कहा आपने, देखिए स्थायित्व का दूसरा नाम विराट कोहली था, अगर कुछ ये चंद महीनों को अपवाद में आप छोड़ दें, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ जिस तरह से मैच दर मैच इन्होंने रन बनाए हैं, और अगर उनकी फिटनेस उनका साथ देती है, जो देगी, क्योंकि एक टीम के आज भी वो फिटेस्ट खिलाड़ी हैं, चाहे आप उनकी फील्डिंग देख लीजिए, चाहे रनिंग द बिटवीन विकेट देख लीजिए, और चाहे उनकी बल्लेबाजी देख लीजिए, वो फिट है, और अगर वो फिटनेस इसी तरह से कायम रहती है, सचिन तेंदुलकर मैं समझता हूँ कि अपने पिछले 10 वर्षों में वो उतने फिट नहीं थे जी, तो अधूरी फिटनेस के साथ वो खेले थे, तब भी उन्होंने रन बनाए थे,
और विराट कोहली जिस तरह की फिटनेस दिखा रहे हैं और जिस तरह का उनका रन चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो सचिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं। करुण, बिल्कुल बिल्कुल, पद्मपति जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो जिस तरीके से कुंदन यहाँ पर फिटनेस को लेकर एक मुकाबला, एक स्पर्धा भी टीम में देखने को मिली है, विराट कोहली के रेजिम में ये देखने को मिला है। इससे पहले आप देखिए कि फील्डिंग में इतनी चुस्त दुरुस्त भारतीय टीम कभी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए फिटनेस के मामले में क्या खाते हैं विराट कोहली, यहां तक की चर्चा होती रही है। फिटनेस को खाने को लेकर के, फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं विराट कोहली। इसीलिए पद्मपति जी ने भी कहा कि अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो 23-24 साल के लड़के हैं, जो नए प्लेयर हैं, उनके बराबर फिटनेस विराट कोहली की है। तो फिटनेस से कहीं पर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, विराट कोहली ने साबित किया है, और इसी का असर है कि बाकी प्लेयर भी इस ओर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, मानसिक तौर पर आप कितने स्ट्रांग है, जिस पर रवि शास्त्री ने इशारा किया है, मानसिक और फिजिकली आप कितने स्ट्रांग है। तो मानसिक तौर पर भी विराट कोहली बहुत स्ट्रांग है। यह अलग मसला हो सकता है कि खेमेबाजी की बात हो रही है या फिर उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो हो सकता है वो थोड़े परेशान हो, इसलिए कप्तानी छोड़ सकते हैं, मैं ये मान सकता हूं। आगे आने वाले एक या डेढ़ साल में, दो साल में कप्तानी में भी छोड़ दें, लेकिन खेलते रहेंगे खिलाड़ी के तौर पर 6-7 साल तक। एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी जगह अभी कोई और नहीं ले सकता, ये भी तय है, क्योंकि नए रिकॉर्ड लगातार बना रहे हैं और उनके बल्ले से खूब रन भी निकलते रहे हैं। एक और मुद्दा यहां पर है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, हम उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे, और वो ये है कि क्या ये इस्लाम की हार है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो ट्रॉफी जीतने का सपना उसका चकनाचूर हो गया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके से रिएक्शंस आए और ये पूछा गया, क्योंकि जो पाकिस्तान के मंत्री हैं शेख रशीद, उन्होंने हिंदुस्तान पर जब पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी तो उन्होंने इसे इस्लाम की जीत बताया था, इसीलिए अब उन्हें यहां पर पलटवार उनके ऊपर हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि क्या ये इस्लाम की हार है। कुंदन, देखिए अब खेल को धर्म से मत जोड़िए, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जब भारत से मुकाबला होने वाला था तब भी ऐसी बातें कही जा रही थी पाकिस्तानियों की तरफ से, और मंत्री साहब भी तब भी कह रहे थे, लेकिन भारत से जब पाकिस्तान जीत गया तब ये बात चर्चा और ज्यादा जोर पकड़ने लगी कि इस्लाम की जीत है। मुझे लगता है ये ना तो इस्लाम की अब हार हुई है और ना ही इस्लाम तब जीता था जब भारत जो है वो हार गया था। इस्लाम की ना जीत है ना हार है, मैं कहता हूं क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत चलते रहते हैं, आप वो क्रिकेट का पार्ट है, गेम का पार्ट है, क्रिकेट ने किसी भी गेम में, तो आप इसे गेम को गेम की तरह देखिए। भारत हार गया तो ठीक है, पहली बार हारा वो विश्व कप में, ये ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन ना तो तब इस्लाम की जीत थी और ना अब इस्लाम की हार है। इस सोच को बदलने की जरूरत है, मुझे लगता है इस सोच को बदलने की जरूरत है, ऐसे बेतुके बयान नहीं आने चाहिए। पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। पद्मपति जी, अब ये इस्लाम की क्या हार है सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ बतोलेबाज मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने इस्लाम की जीत बताया था हिंदुस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तानी टीम जीती थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मंत्री है उसको शेख चिल्ली ज्यादा कहा जाता है जी जी, और ये पाकिस्तान की सियासत का दुर्भाग्य है, एक ऐसे गैर जिम्मेदार शेख चिल्ली को आपने गृह मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण पद होता है। बिल्कुल, और वहां पर वो सख्त कहता है कि ये पूरे के पूरे इस्लाम की जीत है। उनसे कोई ये पूछे कि विश्व कप आईसीसी के टूर्नामेंटों में भारत ने 12 बार हराया था पाकिस्तान को, क्या वो हिंदुत्व की जीत थी, क्या वो इस्लाम की हार थी? ये वाकई भी बाहियात बात है, लेकिन ये बात इस समय पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक देशों का जो है अपने को पहरुआ मानने लगा है, वो ध्वजवाहक मानता है, वो सोचता है कि अब अरब तो जरा सा क्या बोलते हैं सहिष्णु हो गया, वहाँ गीता पढ़ाई जा रही है, वहाँ महाभारत और रामायण कोर्स में पाठ्यक्रम में रखा जा रहा है, और इनके यहाँ तो अब्दुल बिन कासिम 8वीं शताब्दी में आया था, वहां से इतिहास शुरू होता है, और घूटी में जो काफिरों के खिलाफ जो दिया जाता है उनको, तो वहां तो उनकी मानसिकता यही है। आप ये देखिए ना, किसका ज्वलंत उदाहरण आपको दूं, हसन अली एक ऐसा गेंदबाज है जिसने 8 वर्षों से पाकिस्तान की सेवा की है, और हम न भूलें कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिताने का श्रेय बहुत कुछ हसन अली को था जी। लेकिन 19वें ओवर में जो एक कैच छूटा उससे उसकी क्या दुर्गत हुई है, उसकी दुर्गत तो हुई है, उसके साथ उसकी पत्नी की भी दुर्गत हुई आरजू की, जो मेवात हरियाणा की रहने वाली है,
और उसको कहा गया, उसको क्या क्या नहीं कहा गया जो मैं कि इस समय मैं बोल नहीं सकता, और उसे गद्दार बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल पद्मपति जी बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि हसन अली को भी पाकिस्तानियों ने शिया होने को लेकर ट्रोल किया, जबकि ऐसे लोगों को अलग थलग करना चाहिए जो इस्लाम या फिर धर्म के नाम पर क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हसन अली ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा था कुंदन, जैसा कि ये तमाम हम लोग लगातार मैच देख भी रहे थे, और उसके बाद फिर लगातार 3 सिक्सर्स लगा दिए थे, पाकिस्तान को हार मिली थी, और इसी वजह से काफ़ी इनकी आलोचना हो रही थी और उसी पर जो है शिया होने को लेकर बात हुई थी। पद्मपति जी बात अपनी रखिए आगे। देखिए करुण जी, जी आप देखिए शाहीन अफरीदी ने उसके बाद लगातार 3 छक्के खा गए जी, लेकिन किसी ने भी उनकी आलोचना नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सुन्नी था। ये इतने कट्टर मजहबी है, और अभी वो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो क्या बोलते हैं वो आईएसआईएस और वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग जो है जिनको आपको नहीं लगता कि अलग थलग किए जाने की जरूरत है पद्मपति जी, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, जरूरत है बिल्कुल अलग थलग किए जाने की जरूरत है। और ये जो मजहबी जो चीजें जोड़ी जाती है खेल के साथ राजनीति मजहब का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट राजनीति और मजहब से ही प्रभावित होती है, इसमें दो राय नहीं है। अब बताइए कि वो शिया था, और शियाओं की क्या स्थिति पाकिस्तान में है कि जो काफिरों से बहुत ज्यादा मतलब वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वही बदतर स्थिति हिंदुओं की अल्पसंख्यकों की है। वही 5,000 शिया मारे जा चुके हैं, और वो उस समय मारे जा चुके हैं जब वो मस्जिदों में नमाज अदा करते रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे के साथ उनको मारा गया है। तो अब ये बताइए कि अब वो उसको बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान को बहुत गंभीरता से इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पद्मपति जी आखिरी सवाल आपसे कि अब इसके आगे भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले को किस तरफ जाता देखते हैं आप? देखिए मैं तो चाहता हूं जब तक एक साथ बोली और गोली नहीं चल सकती, जब तक पाकिस्तान अपने धरने पर वापस नहीं आता और अपने आतंकवादी जो कार्रवाइयां कर रहा है उसको बंद नहीं करता, और जब तक भारत से सार्थक बात नहीं होती, भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का खेल संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये खेल संबंध जो होते हैं जोड़ने के लिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो खेल होते हैं वो तोड़ने के लिए होते हैं, जोड़ने के लिए नहीं होते। आप देखिए कि कितनी निराशा हुई होगी कि जब भारत हारा है तो हमारे भारत में जो कुछ ऐसे गद्दार रहे हैं जयचंद, जिन्होंने आतिशबाजी की है, इन्होंने जो है पटाखे फोड़े हैं, ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि ये मजहब उनके लिए सर्वोच्च है, उनके लिए देश सर्वोच्च नहीं है, और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ देश है, यानी हिंदुस्तान के लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और हम तो ये चाहते हैं कि सर्वे सुकलना बंतु सर्वे संतु निरामया, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, हर कोई सुखी रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दूसरा मजहब जो है वो सिर्फ अपने सुखी की बात करता है, दूसरों के लिए वो नहीं चाहता कि उनके लिए कोई जंग है। तो ऐसे ऐसे देश के साथ कि जो हमसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है और नाम पूछ करके जो है मार रहा है कश्मीर में, उसके साथ खेल खेलना मैं समझता हूँ सबसे गलत होगा। बिल्कुल, तो फिलहाल तो खेल होता है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि गोली जो है पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता, अपनी कट्टरता को त्याग नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि करुण जी अगले 1-2 दशक में तो कोई क्रिकेट नहीं होने वाला है, भारत और पाकिस्तान बायलेटरल सीरीज तो नहीं होगी, बीच में कुछ चमत्कार ही हो जाए तो बायलेटरल सीरीज हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता अगले 5-10 साल में कोई सीरीज हो सकती है। पद्मपति जी बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं। पद्मपति जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तो है, आगे ऐसा नहीं लगता है कि क्रिकेट के रिश्ते वो सामान्य होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के रिएक्शन जो आते हैं और इस तरीके के जो कथनी और करनी में पाकिस्तान के फर्क दिखाई पड़ता है। कुंदन करुण जी मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब T20 सीरीज न्यूजीलैंड से अब शुरू होने वाली है, अब तो हम भूल जाए T20 वर्ल्ड कप को भूल जाए, हालांकि फिर वर्ल्ड कप बहुत नजदीक होगा, इस सीरीज में क्या नतीजे रहेंगे 3 मैचों की सीरीज जो है? देखिए जब बायलेटरल सीरीज होती है तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि वहाँ पर नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं और आप वहाँ पर हमेशा एक एज आपको मिला होता है, और ICC के जो टूर्नामेंट्स होते हैं विराट कोहली की इसलिए भी आलोचना होती है कि आप वहाँ पर बड़े मुकाबलों में मैच नहीं जिता पा रहे हैं टीम को, इसकी वजह से
उनकी आलोचना हुई, इसकी वजह से कप्तानी जो है उन्होंने पहले T20 में छोड़ी और अब जो है क्या आगे सभी फॉर्मेट्स में वो कप्तानी छोड़ सकते हैं, इसे लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन जब बायलैटरल सीरीज होती है तो हम कुछ ज्यादा ही आश्वस्त होते हैं और इस बार भी हम आश्वस्त हैं कि यहाँ पर हमें जीत ही मिलेगी। गहरा लगा तो मरहम लगाने की जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत भी है। बिल्कुल, तो चलिए हम लगातार जो है इस बारे में अपडेट्स भी देते रहेंगे सबको और जो भी खबरें यहाँ पर न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।